भाई ट्रैफिक क्यों है इतनी हार्ड। तो पहले तो देखो भाई ये मेरे हाथ देख लो यार, सो ये चीज हुआ मेरे साथ देख सकते हो। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो कैसे हैं आप सब, आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे होंगे दिखाइए। तो भाई लोग आज हम छोटे से व्लॉग पे जा रहे हैं भाई, छोटे से राइड पे। सो भाई अब यार मैं कल भी रील वगैरह नहीं डाल पाया इंस्टाग्राम पे ना यूट्यूब पे, भाई कोई रीज़न था यार। सो वो रीज़न मैं आज बताना चाहता हूँ भाई, आप सबको बताता हूँ आगे जाके। अभी छोटे से राइड करते हैं पहले तो, ठीक है फिर भाई। अच्छा नहीं हुआ यार मेरे साथ जो भी हुआ, बट क्या कर सकते हैं, अब जो होने वाला होता है उसको अब हो के ही रहता है भाई, कुछ नहीं हो सकता उसका। फिर तो ना आपको पता है ना मेरे को पता है भाई, अगर पता होता तो वो चीज़ होता भी नहीं। तो चलते हैं यहाँ से पहले। गाड़ी आ रही है भाई। आज छोटी सी राइड होगी और राइड के साथ ही भाई बात करते हैं, थोड़ी बहुत ही बात ही करेंगे आज भाई। कोई सीन नहीं है ना कोई कुछ भी नहीं है आज, कुछ ठीक नहीं हो रहा है यार। मैं आपको सबको बताना चाहता हूँ कि क्या क्या हो रहा है अपनी लाइफ में। ट्रैफिक है भाई आगे, चलते इसी साइड भाई, आगे तो ट्रैफिक है, आगे नहीं जा पाएंगे हम, मुड़ते ही है इधर ही से चलेंगे, नीचे ही की साइड चलते हैं भाई क्योंकि उस साइड ट्रैफिक है। इधर ही चलते भाई, एक राउंड हो गया। मजा तो आ रहा है भाई, वो ठोक गया था यार। ओ शिट, देख रहे हो भाई, डैम काल तो दे भाई आपका भाई, ऐसे थोड़ी भी ना जाता है यार। ओ चलो अब यहाँ पे मुड़ते हैं, रोका क्यों है? भाई एक चीज नोट करा यार मैंने, जब भी मैं राइड पे जाता हूँ ना भाई, अपनी एमटी कुछ अलग ही आवाज़ निकालती है। सो यहाँ पे रुकते हैं भाई, जगह भी अच्छी है, लोग भी नहीं है ज़्यादा, सो डिस्टर्ब भी नहीं होंगे हम। यहाँ पे भाई यहाँ पे रुकते हैं पहले तो भाई यार आप तो भाई रुक चुका है एक अच्छी सी जगह देखकर। सो वहीं पे रुके थे, देखो कोई भी अच्छी जगह है, ठीक है। सो मैं बताना चाहता हूँ आपको यार मेरे साथ क्या सीन हुआ क्या नहीं। सो पहले तो देखो भाई ये मेरे हाथ देख लो यार, सो ये चीज़ हुआ मेरे साथ देख सकते हो। तो भाई ऐसा अगर होना तो भाई कौन कैसे मैं रील लाऊं भाई, कैसे मैं ब्लॉग्स बताऊं। सो ये सीन हो चुका है मेरे साथ,
तो बहुत गंदा हुआ था यार। मतलब मेरी बाइक के साथ नहीं हुआ भाई, ऐसा मत सोचो कि मतलब एक्सीडेंट वगैरह हुआ, एक्सीडेंट वगैरह कोई नहीं हुआ भाई, बस वो कोई छोटा सा एक्सीडेंट ही था समझो, पर बाइक पे नहीं था भाई, घर पे ही हुआ है वो। तो मैंने जैसे मतलब दूध रखा फ्रिज के ऊपर रख दिया था भाई, मैं नीचे बैठा यार हाथ रख के फिर अचानक से यार गिलास गिर गया। मेरे को पता नहीं कि गिलास कैसे गिरी भाई, बट जैसे भी है वो अब गिर गई तो गिर गई भाई, अब क्या कर सकते हैं। फिर हाथ में कट लग गई यार, बहुत गंदा कट है। तो इसलिए भाई एक पूरा दिन मैं पूरा उठा नहीं हूँ यार हाथ के दर्द से। तो आप देख ही सकते हो भाई कितना ज़्यादा लगा हुआ है। तो यार पेन तो हुआ था पर फिर भी भाई फिर भी मेरा दिल नहीं मान रहा था, तो मैंने आज राइड ले ही आया भाई। पेन तो अभी भी हो रहा है यार, स्वेलिंग है देखो भाई, सूजा हुआ है हाथ पूरा भी, बट क्या कर सकते भाई, आपके लिए तो सब करना है तो करना ही है भाई। सो कोई बात नहीं, अब छोटी सी राइड करेंगे। मैं तो यही बताना चाहता था भाई क्या क्या सीन हो रहे हैं क्या नहीं हो रहे। तो आपका भाई रेडी रहता है हमेशा, मैंने पहले ही बोला था पिछले ब्लॉग में भी बोला था कि रेडी ही रहता है आपका भाई हमेशा, आप जब भी बोलो तो बताया करो यार कहाँ जाए कहाँ नहीं। तो ये सारी चीज़ें बताओगे तभी ना भाई इधर से उधर फिरता रहता हूँ मैं, आपको पता ही है। सो कोई बात नहीं भाई, अब हो चुका है तो अब क्या कर सकते हैं, फिर से एक बारी देख लो भाई। बहुत दर्द हो रहा है भाई, अभी दर्द भी हो रहा है फिर भी मैं राइड लेके आ रहा हूँ आपके लिए। सो अब चलते हैं भाई यहाँ से, क्योंकि ज़्यादा टाइम एक ही जगह पे खड़े हो गए तो अच्छा नहीं होगा। जैसे बोला था आपको कि जब मैं राइड पे निकलता हूँ तब मेरी एमटी कुछ अलग ही साउंड करती है, सो देख सकते हो मेरी, सुन सकते हो भाई मेरी एमटी कैसे साउंड करती है हमारी पारो भाई। तो भाई देख लो रेड लाइट आई थी चली गई खत्म हो गई, अब चलते हैं सीधे। भाई यार यहाँ पे भी ट्रैफिक लग गई। हाँ जी हाँ जी, बस हमें दुआ दो ये कि हमारे चैनल अच्छे से चल जाए, कृष्णा पारो ब्लॉग्स यूट्यूब मोटर ब्लॉगर। तो अब देते हैं हम इनको किसी तरह मिलकर, कोई बात नहीं। तो भाई अब क्या कर सकते हैं, तो चलते हैं यहाँ से यार, ट्रैफिक फिर इधर लग गई यार। तो भाई निकल चुके हम, ओहो आगे देखो भाई मेरी मनपसंद कार है यार ये, सच में। अब निकलते हैं यहाँ से भी। क्या गंदा सीन होता है, रोड से मेरे को प्यार हो गया यार, इस रोड से मेरे को प्यार हो गया सच बताओ तो। ओ भाई देख रहे हो इसको,
कसम से भाई क्या सीन है ओ भाई, ट्रैफिक क्यों है इतनी यार? वाह कांटे थे यार, ये भी फेवरेट कार है आपके भाई की, बड़ा प्यार करता है आपका भाई इस कार से भी। अब चलते भाई घर के साइड, क्योंकि हो गया व्लॉग शूट, जो भी बताना था आपको बस वही बताना था। मेरे हाथ पे यार इतना वो हुआ ना, सच बताऊँ आपको, मेरे हाथ ना मतलब बहुत दर्द कर रहे हैं भाई, लेकिन मेरा मन था आज मैं राइड करने का और व्लॉग बनाने का भाई। और ज़्यादातर तो मैं इसलिए किया क्योंकि कल मैंने रील कोई भी नहीं डाला, तो रील भी डालनी थी और हाथ में इतना दर्द हो रहा है ना कि मूड ही नहीं बन रहा बिजली मारने का, सच बताओ भाई। अभी तो और यार बाइक चला रहा हूँ ना, मेरा मन नहीं था यार आज राइड करने का, मैं फिर भी मैंने निकाला आज राइड, सो कोई बात नहीं भाई, अब होता ही रहता है यार, राइडर्स की लाइफ ऐसी होती है, ज़्यादातर चीज़ें होती रहती है, क्या कर सकते हैं अब। दर्द हो रहा है यार अभी तो, ये तो राइड की वजह से नहीं हुआ, ऐसी बात नहीं है कि राइड में मतलब गिरा हुआ होगा बाइक में, ऐसा कोई सीन ही नहीं हुआ मेरे साथ, ऐसा कोई भी सीन नहीं हुआ। अगर हुआ होता तो भाई बाइक भी डैमेज हो जाती। बाइक दिखा देता हूँ यार एक मिनट, तो आपको भी यहाँ पे बाइक दिखाता हूँ पहली बात तो, क्योंकि बाइक को कोई भी चीज़ मतलब कुछ भी नहीं हुआ है, तो देख सकते हो भाई बाइक को तो कोई एक क्रोच भी नहीं आई है, बाइक पूरी ऐसी की ऐसी पड़ी हुई है, मारी पारो है भाई, इसको कुछ होने दे सकते हैं? नो नेवर, ऐसे सोच भी नहीं रखने भाई। सो ये मेरे हाथ मतलब वही सीन हुआ है भाई जो आपको बताया मैंने, वही था। सो चलते अब घर के साइड भाई, बहुत टाइम हो गया भाई। चलो भाई अब जाके भाई थोड़ा आराम करूँगा, दर्द हो रहा है भाई, टैबलेट खाया मैं, टैबलेट अभी पारो को बताऊँगा तो गाली देगी। सो व्लॉग देखकर अगर उसको पता चलेगा तो थोड़ा अलग ही होगा। तो मैंने सच में टैबलेट नहीं खाया भाई, उसने बोला भी था मेरे को पारो ने कि खा लेना, बट नहीं खाया, दर्द हो रहा है भाई, घूर घूर के देखते हैं ना तब मेरे को हंसी आ जाती है, जब कोई घूर के देखता है ना तो मेरे को हंसी आ जाती है भाई। सो हे गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग गाइस, हमारे वीडियोस में बने रहने के लिए भाई थैंक यू, और भाई जितने भी हो सके भाई सपोर्ट दिखाया करो यार, दिल लगाओ अपने मतलब अपने भाई के चैनल में, दिल दे दो यार, यहाँ पे तो दिल नहीं होता, इंस्टाग्राम में दिल होता है,
बट यहाँ पे भाई लाइक कर दो यार, एक लाइक कर दो और एक सब्सक्राइब कर दो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई। बट भाई आपका भाई इतनी मेहनत करता है तो एक लाइक तो बनता है उसके लिए, तो माँ फिर आके भाई लाइक तो चाहिए, तो माँ फिर आके लाइक तो लूँगा मैं। प्रैंक होगा प्रैंक भी लाऊँगा, बोलो तो सही है बारी। सो चलते अब घर की साइड, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, नेक्स्ट व्लॉग का वेट करो, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।